आज हम लोग अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही सरल लगता है परंतु होता बहुत कठिन और बहुत ही अहम टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है नाउन। किसी भी व्यक्ति वस्तु भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आज तुमको यह सीखना है अगर हम किसी भी चीज का नामकरण कर सकते हैं या उसको हम नाम लेकर बुला सकते हैं तो वो संज्ञा है, तो वो नाउन है। अब हम बात करते हैं अलग अलग किताबों में नाउन अलग अलग सेगमेंट में दिया होता है, जैसे नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड इट्स केसेस। आज हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें एक चीज में। जैसे जब नाउन को बाइफरगेट करते हैं तो इट कैन बी बाइफरगेटेड इनटू काउंटेबिलिटी, जेंडर, नंबर। आज हम डिस्कस करेंगे काउंटबिलिटी सेगमेंट। काउंटबिलिटी एज द नेम इटसेल्फ इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, काउंट प्लस एबिलिटी। काउंट का मतलब होता है गिनना और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो गिनने की योग्यता की बात करें तो ये दो पार्ट में हो सकता है। किसी चीज को अगर हम गिन सकते हैं तो उन्हें हम काउंटेबल नाउंस कहते हैं, और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउंस कहते हैं। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल वो सेगमेंट है जो कॉम्पिटिशन में आता है। तो अनकाउंटेबल नाउंस क्या होते हैं दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउंस वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ना क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स। जैसे ही हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं आपके दिमाग में कई सारे शब्द आते हैं, जैसे स्टार्स। स्टार्स जो वर्ड है ये एक्सेप्शनल केस में आता है। ये गिन तो सकते हैं हम बट एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, और इसीलिए स्टार्स जो होते हैं ये काउंटेबल की श्रेणी में तो आते हैं परंतु काउंटलेस होते हैं। अब जो वर्ड आपको याद करने हैं अनकाउंटेबल नाउन में, उस पर जरा एक नजर देखते हैं। लगेज, बैगेज, सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं एक्सेट्रा। प्लस जितने भी आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं, अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जितने भी आपके पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं अंग्रेजी में मटेरियल नाउन, वो सब इसकी श्रेणी में आते हैं। वो सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। अब बेसिकली एक छोटा सा ट्रिक भी है जो अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने के काम आता है। जैसे अगर किसी भी शब्द के अंत में टी वाई, आर वाई, हुड, शिप, टी आई ओ एन, ए जी ई, ई एन सी ई या एन ई डबल एस आता है तो वो नॉर्मल कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। टी वाई से खत्म होने वाला आप कोई भी शब्द सोच ले, जैसे ब्यूटी, पावर्टी, लॉयल्टी। RY से खत्म होने वाला शब्द स्लेवरी, ब्रेवरी, पोएट्री, मशीनरी। हुड से खत्म होने वाला शब्द चाइल्डहुड, मदरहुड, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड। अच्छा दोस्तों, सिस्टरहुड होता भी है कि नहीं? हिंदी में कहें तो बहन चारा का भी सुना है, तो अंग्रेजी में सिस्टरहुड नहीं होता है। और इसके लिए जो वोकैबुलरी आती है सोरोरिटी, ठीक है, बहनों के बीच में जो प्रेम होता है उसे बहनचारा या सिस्टरहुड ना कहते हुए सोरोरिटी कहते हैं। क्लियर है चीज? आगे बात करते हैं शिप, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, स्कॉलरशिप, टीआईओएन। टीआईओएन से खत्म होने वाले इतने शब्द हैं कि बता ही नहीं सकते, जैसे मेंशन, एज, करेज, स्करेज, लगेज, बैगेज, एंस, मेंटेनेंस, प्रेफरेंस, वॉयलेंस, नेस,
हॉटनेस, कोल्डनेस, बैडनेस, स्वीटनेस. अब बात करते हैं, यू जस्ट ऑब्जर्व दिस एंड मेक अ नोट ऑफ दिस. इसके बाद हम लोग रूल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन डिस्कस करेंगे. रूल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन में सबसे पहला रूल यह कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन हम कभी भी आर्टिकल्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते. आर्टिकल्स मतलब क्या होता है? ए एन द. मतलब यह है कि अगर लिखा हो ही गेव मी अ सीनरी तो यह सेंटेंस गलत होगा. और कहां गलत होगा? यह आ गलत लगा है. क्लियर है? इस रूल का एक छोटा सा एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन यह कहता है कि आर्टिकल द का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम उस अनकाउंटेबल नाउन को निश्चित कर दें. जैसे अगर लिखा हो द इंफॉर्मेशन विच राहुल गेव मी वॉज वेरी यूजफुल. तो यहां पे हमने देखा कि इंफॉर्मेशन जो कि अनकाउंटेबल नाउन है इससे पहले दा लगा है और यह वाक्य बिल्कुल सही है. दूसरा एक और देखते हैं. जैसे सीनरी यहां लिखा था, अनकाउंटेबल था, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, परंतु यह लिखा होता द सीनरी ऑफ कश्मीर तो यह दा सीनरी के साथ लगा और यह सही है. तो दिस इज एन एक्सेप्शन. अब बात करते हैं रूल नंबर तीन. रूल नंबर तीन ये कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन प्लूरलाइज नहीं हो सकते. मतलब ये है कि ये एस या ई एस अपने साथ नहीं ले सकते. जैसे अगर लिखा हो लगेजेस तो गलत होगा, इंफॉर्मेशंस गलत होगा. और लास्ट रूल ये कहता है कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन प्लूरलाइज नहीं हो सकते, मतलब ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जब कभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगती है वो हमेशा सिंगुलर ही लगती है. जैसे अगर आपने सुना होगा ऑनेस्टी जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ क्या आता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो हमारे ख्याल से आपको यह चीज समझ में आई होगी. हम लोग नेक्स्ट टर्न पे टॉपिक डिस्कस करेंगे जेंडर. That's all for today. Thank you. Have a nice day. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.